असलकम टू एवरी वन स्टूडेंट्स कैलकुलस एस एम यूसफ़ चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री में क्वेश्चन ट्वेंटी वन तक प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू और ऑनवर्ड क्वेश्चन F of X is equal to X square minus five over X minus one. Find the intervals on which the given The given function is continuous, also find points of discontinuous. जी बताना है किस इंटरवल पर हमारा फंक्शन कंटीन्यूस है और कहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो डिसकटीन्यूस है और कंटिन्यूटी के लिए हम तीन कंडीशंस देख चुके हैं अगर कोई फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दे तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है पहली कंडीशन क्या थी कि उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए दूसरी कंडीशन लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए तीसरी कंडीशन थी वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल आने चाहिए अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है और तीन तीन में से कोई एक कंडीशन भी अगर फेल हो जाए तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा क्या है डिसकॉन्टिन्यूस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइन एक्स इज इक्वल टू वन अगर हम x की वैल्यू इसमें वन लगाते हैं तो वन माइनस वन जीरो समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो ये आंसर आ जाएगा इन्फिनी हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकटीन्यूटी आ गया सो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क् माइनस फाइव ओवर एक्स माइनस वन ज डिसकटीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन और फंक्शन इसके अलावा हर पॉइंट के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है और दो पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड हो गई हैं सो एफ ऑफ़ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन हारे रियल लाइन के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होगा सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पर हमारा फंक्शन क्या आ रहा है डिसकंटिन्यूस और उस पॉइंट को हमने माइनस कर दिया तो ये था जी इंटरवल के जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस है और वन इसका क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एफ़ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एब्सल्यूट ऑफ एक्स इसमें हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के ज़रिए भी हम देख सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स ओवर एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स ओवर माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो एफ़ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन इफ़ एक्स ग्रेटर लेस देन ज़ीरो और अगर इसमें हम फाइंड करें लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स फिर लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो और यहाँ जो एफ ऑफ एक्स राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करेंगे वो आ जाएगा जी माइनस वन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच आर लेस देन ज़ीरो जीरो के ऊपर देख रहे हैं कंटिन्यूटी है या के नहीं है तो इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा माइनस वन के और अगर इसी तरह मैं राइट हैंड लिमिट इसकी फाइंड आउट करूँ लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो प्लस द वैल्यूज़ ऑफ़ द वेरिएबल विच आर ग्रेटर दैन ज़ीरो वैल्यू वन आ जाएगी तो इसका आंसर वन आ रहा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जीरो के ऊपर सेम नहीं आ रही यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट माइनस वन इज नॉट इक्वल टू प्लस वन तो ज़ीरो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर ऑफ एक्स इज डिस्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट आर माइनस जीरो भाई पूरी रियल लाइन में से वो पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है उसे हमने माइनस कर दिया वो पॉइंट भी इनमें से निकल जाएगा और बाकी जो पॉइंट्स रह जाएंगे उनके ऊपर हमारा फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर f of x is equal to sine x over x. The function f of x is equal to sine x over x is not defined at x is equal to zero. तो हम लिखेंगे एफ ओ फैक्स इज डिस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है और एफ ओ फैक्स इज कॉन्टीन्यूस एट आर माइनस जीरो जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है पूरी रियल लाइन में से उस पॉइंट को जो है वो माइनस कर दें बाकी तमाम वो वैल्यूज आ जाएंगी जहां पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एफ फो फैक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा जब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू पर भी अनडिफाइंड फाइव पाई बाई टू भी अनडिफाइंड जितने भी पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल्स होते हैं वहां पर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है टेंजेंट एक्स तो हम लिखेंगे पाए बाय टू के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उन पर हमारा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस f of x is equal to tangent x is not defined is not defined at x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 यानी के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं इन तमाम ऑड मल्टीपल्स के ऊपर हमारा फंक्शन टेंजेंट अनफाइंड हो जाता है अब इन वैल्यूज को अगर आप रियल लाइन में से माइनस कर दें तो वो तमाम वैल्यूज आ जाएंगी जहां पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो इसमें आप लिखेंगे एफ ओ फैक्स इज कॉन्टिन्यूस एफ इज कॉन्टी कॉन्टीन्यूस एट सारी रियल लाइन पे है और लेकिन उनमें से एक्स वैल्यू जहाँ पर पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं वो सारी की सारी वैल्यू हमने क्या कर देनी है माइनस और यहाँ पर मैंने एन लिखा है बिलोंग्स टू जेड जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है तो ये पॉइंट था जी हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी और ये वो इंटरवल आ गया कि जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है और यहाँ पर लिख दें डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई बाय टू आप एन की वैल्यू इसमें वन लगाएंगे थ्री पाई बाई टू आ जाएगा एन की वैल्यू जीरो लगाएंगे पाई बाई टू आ जाएगा पाई बाय टू थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू माइनस पाई बाय टू इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर हमारा जो टेंजेंट फंक्शन है वो अनडिफाइंड होता है नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एफ ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाय फोर कॉज एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय फोर यहाँ पर वैल्यू ऑफ़ द फंक्शन फ़ाइंड आउट कीजिए सबसे पहले एफ ओफ फाई बाई फोर वैल्यू ऑफ़ द फंक्शन वहाँ कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर साइन इक्वालिटी का दिया गया हो तो ये आ जाएगा जी साइन फाई बाय फोर साइन फोर्टी फाइव होता है वन ओवर के रूट ऑफ टू फिर इस पे फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिज टू पाई बाई फोर माइनस एफ ओफ एक्स फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय फोर माइनस द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स विच आर लेस देन पाई बाय फोर और यहाँ पर आप फंक्शन यूज करेंगे साइन एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और साइन फोर्टी फाइव ये वैल्यू होती है जी वन ओवर स्केयर रूट ऑफ टू अब फाइंड करेंगे आप राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिज टू पाई बाय फोर प्लस एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर आप वैल्यू करेंगे कॉज एक्स यूज़ करेंगे यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच आर ग्रेटर देन पाई बाय फोर तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय फोर कॉज एक्स कॉस पाई बाय फोर वन ओवर स्क्र रूट ऑफ टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ रही हैं तो यही फंक्शन की हमारी लिमिट बन जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचिसवल टू वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ टू और यही हमारे पास वैल्यू ऑफ दी फंक्शन है तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो गया है कंटिन्यूस और साइन और कॉज के अगर आप ग्राफ देखें उसमें कोई गैप नहीं आता कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पाई बाई फोर के ऊपर भी कंटिन्यूस है इसके अलावा जो भी आप पॉइंट्स लेंगे साइन और कोज के ग्राफ में कोई गैप नहीं होता हर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफाइंड होते हैं तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कि एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा नेक्स्ट स्टूडेंट आ रहा जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन यहाँ हमने बतानी है कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एक्स इज टू पावर वन ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ई स्क्वेयर इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन ज़ीरो पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो किस चीज़ के बराबर आ रही है ई e स्क्वायर के अब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो वन प्लस थ्री एक्स रेस टू पावर वन ओवर एक्स और वन के बाद साइन पॉजिटिव है थ्री एक्स का रेसिप्रोकल हमें वन ओवर थ्री एक्स चाहिए तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो वन प्लस थ्री एक्स यहाँ आप इसको थ्री से मल्टीप्लाई और थ्री पे डिवाइड कर दें क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया है? क्योंकि थ्री एक्स का हमें रेसी प्रोकल चाहिए था वन ओवर थ्री एक्स तो रेसीप्रोकल बनाने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड फर्दर आप इसे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू तो ज़ीरो वन प्लस थ्री एक्स रेज टू तो पावर वन ओवर थ्री एक्स और इसके ऊपर पावर आ जाएगी थ्री और ये हमारा स्टैंडर्ड थ्योरम ये कह रहा है ये सारी वैल्यू जो है वो e के बराबर है इसके ऊपर क्यूब तो आंसर आ गया e क्यूब जबकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन e स्क्वायर आ रही है लिमिट ऑफ द फंक्शन e क्यूब है तो आप लिखेंगे f ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो f ऑफ x इसका आंसर e स्क्वायर आ रहा है इसका आंसर e क्यूब आ रहा है तो एफ़ ऑफ एक्स इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो पॉइंट के ऊपर हमारा ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा क्वेश्चन ट्वेंटी एट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वन प्लस एक्स रेस टू पावर वन ओवर एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वन इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जी इस पॉइंट के ऊपर बतानी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस जीरो के ऊपर है या नहीं है इसके लिए आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट कीजिए और फिर लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करें और देखें दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं या नहीं एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन जीरो पर इस फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन ओवर एक्स हमारा थ्योरम लिमिट का कहता है ये सारी वैल्यू किस चीज़ के बराबर है ई के तो हम लिखेंगे कि एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स ये आंसर वन आ रहा है और ये आंसर ई आ रहा है ई ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है टू पॉइंट सेवन वन एट तो ये वन के इक्वल नहीं आएगी देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो पॉइंट के ऊपर हमारा ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स रेस टू पावर वन ओवर एक्स एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ई स्क्र एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जी वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो के ऊपर आ गई है ई e स्क्र हमें गिवन है कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो तो इस फंक्शन की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है ई e स्क्र के अब हम फाइंड करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन प्लस टू एक्स रेज टू पावर वन ओवर एक्स वन के बाद स्टूडेंट साइन पॉजिटिव है टू एक्स का रेसी आपको टू चाहिए तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन प्लस टू एक्स पावर में इसका रेसी बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई और टू पे डिवाइड फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन प्लस टू एक्स वन ओवर टू एक्स और इस सारे पे आ जाएगा जी स्क्वायर वन के बाद साइन पॉजिटिव और जो वैल्यू है पावर में इसका रेसिप्रोकल भी आ रहा है एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो पे थ्योरम के मुताबिक ये सारी वैल्यू ई है तो फाइनली आंसर इसका किस चीज़ के बराबर आ जाएगा ई स्क्वायर के और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपके पास ई स्क्वायर आ रही तो यहाँ आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो यानी यहाँ पर ई स्क्र इज इक्वल टू ई स्क्र तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल आ गई एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है जी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो